ना दूंगा मैं सारी गलियां तेरी जगमगा दूं। तो वापसी है तो आगे पूरा ये शीश महल बना दिया इसने घर को। अब मैं आप लोग मुझे बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखो, ये आई नैना अकबर, ये हुई एंट्री, फूलों की बरसात, ये सब चीजें। क्या कर रही हो अभी? करेले का गरम कर। ठंड में ये क्या चड्डा पहन के तुम घूम रहे हो? बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग बहुत होश करो मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो है मेरा वो लोग जो है बिल्कुल फुल पावर के साथ आप लोगों को मिले। तो भाई अपनी बहन को और कॉन्फिडेंस देने के लिए आप लोगों ने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से आपके पैसे नहीं जाएंगे, आपकी इज्जत में कमी नहीं, आपके दिल के टूटे टूटे नहीं। अगर कुछ होगा तो वो मुझे खुशी होगी, और किसी को खुशी देना कोई बुरी बात नहीं। तो डू सब्सक्राइब, नहीं किया ना, जिसने कर दिया मेंशन कर दो, थैंक यू। तो सुबह का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। वैसे ये मैं रात को शूट कर रही हूँ, सलाम का सुबह जो हुआ वो ये देखें। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अभी जो है सुबह सुबह उठ के आ गई, उठो जल्दी करो, उठ जाओ, कब से बोल रही हो? सुबह सुबह उठ के जिन लगता है ना, मैं भी अभी वैसे जिन लग रही हूँ ना, मैंने नहीं पता। ये देखो इस दिन इसने मुझे पैदा किया है, ये जिन की माँ है। सबसे पहले हम खाएंगे गंदी सी गोली, बचे हुए पानी को हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। जब तक ये गरम होता है तब तक जाकर मैं अपनी कॉफी ढूंढ कर आती हूँ। तो मैं यहाँ से कालीन हटाई, यहाँ से लगेगा झाड़ू, यहाँ से लगेगा पोछा, क्योंकि जगह और ये बहुत ही ज्यादा गंदी। आपने मेरी जैकेट देखी जो मैं रात को पहन रही थी? ये रही, मैं कितनी गंदी हूँ, ये रही। आई गरम हुआ, ये जो भैंस जैसा जिसम लेके घूम रही हूँ ना, इसलिए ये कड़वा जहर पीती हूँ। पी लो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन अम्मी को जो चोट लगी है बहुत बड़ी वाली है। गली के बाहर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, बच्चे खेल रहे। जिन नहीं होते जिन, मैं कह रही हूँ जिन लग रही हूँ पूरी। मैं अपने बालों को जरा पीछे करती हूँ, चुड़ैल बनी हुई कब की। तो अभी रूम की हालत ये देखे, ये हो रही है, इसको जल्दी से कर लेते हैं हम साफ। यहाँ का झाड़ू लग चुका है, यहाँ का पोछा लगना है। सबसे पहली चीज़ें आप लोगों को सेट करके दिखाती हूँ। तो भाई ये रूम की जो है क्लीनिंग तो होगी, बस अब पोछा लगाना है। पोछा मैं सबका साथ लगूँ, क्योंकि अभी किचन गंदा है और रूम और वो बाहर की जगह गंदी है। तो ये चीज़ डन होगी, अब चलते हैं किचन के अंदर। तो फिलहाल जो है किचन की हालत ये हो रही है, हालांकि साफ करते रहे लेकिन रात में नन नहीं कर पाए। ये हो रही है किचन की हालत, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जल्दी से इसको कर लेते हैं साफ। तो यहाँ के मुझे जितना हो सके मैं सफाई कर लिए, थोड़े से बर्तन रह गए, पानी नहीं आया, जैसे पानी आएगा मैं वो भी वॉश कर दूंगी। अब यहाँ का पोछा लगाने, क्योंकि ज़मीन बहुत गंदी हो रही है। खैर उससे पहले जब तक पानी नहीं आता तब तक पोछा लगा सकते, दूसरा कमरा साफ कर लेते हैं। अभी ये वाला कमरा गंदा हो रहा है, जल्दी से कर लेते हैं इस कमरे को साफ। तो भाई बाबर भाई का भी जो रूम है वो हो चुका है क्लीन। अब मैं यहाँ पर बैठ के देखती हूँ रिएक्शन वीडियोस। ये रूम हो गया, किचन हो गया, ये वाला रूम हो गया, अब रहती है ये वाली जगह। चलो अब जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। अब जब से नैना अपनी मेडिसिन खाने लगी है तब से घर के सारे काम करने लग गई है। ये सारे काम, सारे दिन में सारे काम करती है। बस बोलते मुझे पानी का कोई काम नहीं बोला करो, पानी से मुझे डर लगता। तो भाई ये जगह भी मैंने कर दी है साफ, लेकिन मसला ये है फर्श बहुत गंदा हो रहा है और खारा पानी नहीं आ रहा कि मैं यहाँ का पोछा लगा। मिट्टू ने भी बहुत गंदी की हुई, इसको भी अच्छे रगड़ रगड़ के पानी से धोना पड़ेगा, लेकिन पानी नहीं है। इसको तो मैं कर लूंगी साफ, फिलहाल के लिए इतना ही देख ले, कर लिया आपके बहन ने साफ। थोड़ी देर करते हैं रेस्ट। अम्मी छोड़ तो नहीं करो, बहुत दर्द होगा। मम्मी आप चले जाओ, मेरी बात सुनो, मेरे अंदर अम्मी सच में हिम्मत नहीं, मैं नहीं जा सकती, ठीक है? मैं अभी सो रही हूँ थोड़ी सी देर, अभी देखो ना घर का सारा काम करके थक गई हूँ, ठीक है? मुझे छोड़ कर न जाना, सब वादे हजार करके मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके।
हाय हो मैं अपने पांव की दवाई भी लूंगी और पट्टी छट्टी करूंगी उसको और काम भी है ना। मैं तुम्हें कह रही हूँ मोबाइल चेंज कर लो, वैसे भी खराब गंदा मोबाइल है। दिखाती हूँ अगर सही होता नहीं तो यार लाभ मेरे को मत दे और ये मैं मोबाइल चेंज मेरा मोबाइल ले लो ले लो। जान हाजिर है मोबाइल क्या चीज। ओके आई एम अलोन एट होम। अब मैं आराम से सो के कुछ भी नहीं करूंगी। बोरिंग लोग बोरिंग लाइफ गाइस। एक घंटा गुजर गया पता नहीं कहाँ चले गए अम्मी वाले। तो जब तक ये बूथा मैं अपना सेट करती हूँ। करते हैं जल्दी से बालों को कॉम। तो बाल कॉम कर लिए, पीछे भी कर लिए, ब्रश कर लेते हैं और मुंह धो लेते हैं। बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये गंदगी देख के ना चिपक रहा है यार, पता नहीं कब पानी आएगा। सफाई सफाई होती है लेकिन ये जो नीचे पड़ा मैंने देख रहे ना, ये जो मिट्टी मिट्टी है बहुत गंदी लग। जब तक पोचा नहीं लगेगा ये साफ ही नहीं होगा। ब्रश करने जा रही हूँ, पानी है ही। ये देखो रुको उनको जाके बोलती हूँ। उन्होंने कहा कि मोटर खराब हो गई है तो मतलब आज पानी शायद ना आए, लेकिन ऐसे गंदे घर के साथ जाहिर सी बात है हम नहीं रह सकते। मैं शाहरुख को बोलूंगी मीठा पानी ले आएगा, मीठा पानी ना भर के ना तो एक बाल्टी इनफ है घर की सफाई करने। बाहर वो बहुत गंदा हो रहा है, कब से जब से हम लोग आए बहुत गंदा हो रहा है। बाहर की जगह दिखाते हैं एक सेकंड। यहाँ की ना ये हालत हो रही है, उसको साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक अम्मी अब्बू कह रही हूँ, अम्मी और शाहरुख ने, तो मैं ये जगह तो एटलीस्ट साफ कर लूँ। तो अभी मकान मालिक जो है वो आए थे, तो जो जिनका ये घर जिनसे हमने ये घर लिया वो आए थे, उनको मैंने बोला है तो ना बोला हम थोड़ा सा पानी आप वो भर लें ताकि आपको जो पोछा वगैरह लगाना है आपको तो पानी आ रहा है कि ये वाला भर जाएगा। दूसरे वर्षों में भी मैंने केन रख दी, अब जब तक मैं वो बाहर की सफाई कर लूँ थोड़ी सी कर ली थोड़ी सी। देखें शिस 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 की आवाज़ आ रही है, ये बस आधा हो गया भर जाए ये बहुत तो भी मौका का फायदा उठाते। जितने जैसे पानी आया उन्होंने कहा थोड़ी सी आप बाल्टियां भर लो, तो मैंने ये तीन में कहीं से बोतलें ढूंढ कर आई, ये मैंने ये वाली केन भर ली, मतलब टब भर लिया ताकि पता नहीं पानी कब आएगा। जितना मुझे जो चीजें मिली मैंने वो चीजें तो भर ली है, अब बस जल्दी से जो है पोचा लगा लेते हैं। पोचा लगाने से पहले ये जगह देखे, ये मैंने कर दी है साफ, लेकिन देखे गंदी कितनी लग रही क्योंकि यहाँ पे पोचा लगा हुआ और ये सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा गंदी रही है। देखे कितना मेस क्रिएट हुआ है। अब जल्दी से मैं जगह को भी साफ कर लेती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ पूरा, आप लोग को करते हुए दिखा रही, बस एक एक साथ दिखाती थी, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ये जगह भी गंदी हो रही है, ये भी चलो हमारे एरिया में आता है ये भी, तो ये दो जगह मैं करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो मुझे चक्कर भी आ रहे हैं क्योंकि मैं ऊपर से दिखाती हूँ आप लोग। यहाँ से मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, वहाँ तक वो देखा था पहले कितना गंदा हो रहा था, तो मैं नीचे तक लगा फिर नीचे से जगह फिर वो गंदी होती मैंने वहाँ पर कर दिया। अब बस यहाँ से मैं जल्द से कर लेती हूँ पोछा और अंदर की ये जगह मिट्टू ने इतना गंदा किया, मिट्टू अंदर जाओ यार और ये घर सारा साफ करके फिर मैं बैठूँगी, सुकून आएगा मुझे। तो नैना अभी पूरे घर की यहाँ पे सफाई कर रही है, सुबह पानी नहीं आ रहा था तो नहीं कर पाए थे इससे मतलब सहन साफ ज़मीन यहाँ पे, तो अभी पानी आ गया तो यहाँ पे पूरा क्लियर कर रही है ये। तो जब घर छोड़ के गए नैना की अम्मी के मोबाइल का कुछ इशू था उसे ही करवाने गए, तो वापसी आए तो आगे पूरा ये शीश महल बना दिया इसने घर को, और पानी नहीं था तो कल इसलिए साफ नहीं कर पाए, आज पानी आ गया तो इसने पूरा घर बाहर बहुत गंदा, उसके लिए अलग से पोछा करना पड़ेगा। मैंने तो शाम तुम लोग कितने घंटे लगा कर पता नहीं, दो घंटे से चारों में काम कर रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं अब तो। सही कल मैं कर नहीं पाई क्योंकि कल मैं नया दिन था आज, मैंने सोचा मैंने कहा मैं एक दिन आराम से बैठ के चलूंगी, अल्लाह थक गई हूँ। तो अभी हेयर इज़ द फाइनल लुक, ये देख लें फर्श जो है बिल्कुल साफ हो चुका है, मैंने सब साफ कर दिया, अब झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, डस्टिंग हो गई। यहाँ पर भी आप लोग देख लें, ये किचन है, किचन को भी मैंने बिल्कुल जो है वो साफ कर दिया है, ऊपर से भी सफाई कर दी है, बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। इसके अलावा ये रूम भी, ये जगह भी मैंने बिल्कुल साफ कर दी है। ये जगह मिट्टू की थोड़ी जगह गंदी हो रही है क्योंकि मैं इधर इस जगह पर आके बहुत थक चुकी थी, लेकिन मैंने पोछा लगाया है लेकिन ज़्यादा मुझसे नहीं हो सका। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट साफ है। कर लें बात जी बाहर की, तो ये देखें बाहर जो है बिल्कुल साफ, अब आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखेगी यहाँ पे कहीं पर भी। ये देखें ये पोछा मैंने लगाया है, यहाँ से साफ कर दिया, जूतों के सेक्शन यहाँ पे कर दिए, ऊपर से भी मैंने झाड़ू लगाया। अब ये जब भी कोई इधर आएगा तो बहुत खूबसूरत सी जो है इनको एंट्रेंस दिखेगी, ये कचरा पड़ा होगा शाहरुख जाके फेंक आएगा। इतना सारा काम करने के बाद मुझे आ रही है मौत और थोड़ी देर के लिए मैं रही हूँ सो सुख का सांस भी लेने देंगे मुझे, सुख का सांस क्या होना है। शाहरुख आया हुआ है, घंटी खोल लू दरवाजा खोलो, अच्छा लगता तंग करना मुझे किसी को भी। अरे जंप लगाते हमारा पाँव तोड़ के रख दो, ये पाँव जो सर में दर्द करता है, आई मीन पाँव में दर्द करता है। समटाइम आई फील लाइक तारीफ करो क्या उसकी,
जिसने मुझे बनाया। हेलो बॉय, थैंक यू सो मच। रोटियां लाया है? हाँ, ये कौन है? ये मेरी प्यारी सी ऑडियंस है। कितना सोना लगता है तू 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 लगती हूँ मैं तेरी मेरी जोड़ी क्यूट लगते है। आया था पता है मुझे, मैंने बात कर ली है। अरे तुम्हें गुड न्यूज दूँ? ये सब कह रहे थे कि नैना को प्रोजेक्ट मिला है। समीरा अजीज जो है ना, हमने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि नैना का फेस जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं महिमा चौधरी की तरह दिखती है, तो मैं सोच रही हूँ कि नैना को प्रोजेक्ट दे दूँ। हाई फाई करो। कौन सा प्रोजेक्ट? मतलब कि ना स्क्रीन पे आने के लिए हाई फाई करो। कैसा, क्या पता मुझे अब मैं आप लोग मुझे बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखो, ये आई नैना अकबर, ये हुई एंट्री, फूलों की बरसात, ये सब चीजें। व्हाट अ जोक यार। मैं ये सब बातें ना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए, आप लोग के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए करती हूँ। खाना खा लो, मेरे का ठंडा हो जाएगा। हाँ, खाना ही तो खाने के लिए पैदा हुए हम लोग, खाना खाएंगे पेट को तो लेकर हम लोग जी रहे। माँ ओ मेरी माँ, तेरा लाडला। तो भी अभी जो है अम्मी ने ना शलजम का सालन बना दिया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और पता नहीं अम्मी ने ऐसा क्यों किया है। सुबह से काम करने का मुझे ये अंजाम मिला है। खैर कोई बात नहीं, जो भी खाना मिले बिस्मिल्लाह करके खा लेना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाह। दुपट्टा मैंने ओढ़ लिया, नीचे बैठ के खाना सुनाते हैं, हाथ से खाना सुनाते हैं। तो हम अपना जो है सुनत के तरीके से करते हैं खाना शुरू, और खाना खाने के दरमियान बात मकवा मकवा मकवा। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं। कोई खुदा की ऐसी गर्मी है, क्यों पंखा चलाते हो? मुझे गर्मी लग रही है। मुझे नहीं लगती, ठंड लगती है। उधर जाके दूसरे इतने सारे कमरे, उधर जाके बैठ जाओ। शाहरुख मौत आ जाए किसी के ऊपर दिल ना है। मुझे कौन सा किसी के ऊपर दिल आया था, जबरदस्ती मेरे से शादी करवाई थी क्या? डांस कैसे के करके दिखाओ, करके दिखाओ। ये ले शाहरुख, प्लीज यार पंखा बंद कर दो, एहसान होगा तुम पर। खुदा कसम बहुत खतरनाक लग रहे हो, जाओ ब्रश करके आओ। शाहरुख मेरे पास तुम्हें कुछ कहने के लिए है। ये ले। औरत पर ना हाथ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं बचेगा तुम। तुमने ना मेरी आत्मा को झिझोड़ के, ओह मेरे बाल झिझड़ गए। एक सेकंड, तुमने मेरी आत्मा को झिझोड़ के रख दिया है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चल भाग देना। अम्मी, मैंने शाहरुख को मारा है। क्यों? उसने मुझे तकिया मारा था। नहीं मारो, पागल हो क्या? क्यों मारती हूँ अम्मी? मैं आपको कहाँ से पागल लगती हूँ, देखो तो सही कितनी खूबसूरत हूँ, माशाल्लाह महिमा चौधरी लगती हूँ। मेरा जज कह रही है तुम हंसती हो, तुम्हारे दांत इतने खूबसूरत लगते हैं, यहाँ मुझे इतनी तारीफ। ठंडी ठंडी पवन चलता है ये शाहरुख। I hate you. मेरे व्लॉग में आपको क्या मिलेगा? Entertainment. छुरी का पता ही नहीं ना। अम्मी ये काटने तराने वाले काम मुझसे नहीं पता, ठीक है ना? मैं इन चीजों के बारे में पता रखती हूँ। अच्छा। छुरी का मुझे नहीं पता। चश्मा है, चश्मा है, ये पता है मुझे भी पता है, आप सबको पता है। एक मिनट चश्मा पहन के दिखाओ। क्या हुआ? पहन दे रहा है, छोटा बच्चे का है। पहन के दिखाओ, पहन के दिखाओ। गोरे गोरे मुगरे पे गाला गाला चश्मा। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, कुछ ऐसी छुपन इस पंखे में है। अब बंद कर दिया। चलो लेट्स सी सम मूवीज। और मेरे जो बाल है ना वो इतने मनहूस लग रहे हैं, ऊपर से मैं भी इतनी मनहूस लग रही हूँ, अपने आप को सेट करते हैं। खैर बी सीरियस, आज जो है मेरे पास सीखने के लिए लड़कियाँ आएंगी, काम सीखने के लिए लैशेस का, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से, मेरे दिल से दुआ है कि वो लोग बस मेरा व्लॉग ना देखती हूँ, अदरवाइज वो लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये कैसी है जो हमें सिखाती है, इसकी हरकतें देखें। ऐसे होती है मैम्स।
ये पानी भर के रख देता हूँ, पता आप लोग बस पानी हो गया, ये लो अभी सब्जी वगैरह जो भी से धोने से धो लो। ये मीठा नहीं है, ये खारा है। मीठा ये पड़ा हुआ, ये वाली बोतल में पड़ा हुआ है और वो वाली बोतल में पड़ा हुआ है। क्या हुआ? खारे पानी थोड़े धोते हैं। फिर अभी ये पानी पड़ा हुआ है ना, तुम्हारा पानी उठा लो, ये बर्तन धोने के लिए। बोलो शाहरुख क्या हुआ? तो मैंने अपनी सासू मोम को जो है अपना ड्रेस पहनाया था, क्योंकि वो जो ड्रेस पहन रही थी वो मुझे पसंद नहीं आया था, और हमने काफ़ी सारे ड्रेसेस निकाल के देखे थे लेकिन उनको कोई फिट नहीं आ रहा था, तो ये फाइनली फिट आ गया। तो मैं चाहती थी कि मेरी सासू मोम जो है टिप टॉप लगे। मैचिंग ईयरिंग्स ये इनके साथ निकाल ली थी हमने, और नेकलेस के लिए हमने ये लॉकेट निकाला था, बहुत सिंपल सा और अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा भी लग रहा था। मेरी सासू मोम को थोड़ा सा तैयार होना अच्छा लगता है, मासूम है, कहीं भी अपनी तैयार नहीं होती, बहुत कम तैयार होती हैं, तो मैंने सोचा कि आज उनको ही जो है ख्वाहिशें पूरी की। पहले वो बिल्कुल ही सिंपल सा सूट पहन के जा रही थी, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा मैं आपको ये वाले कपड़े नहीं पहने दूँ। फिर मैंने जो है सासू मोम का जो है मेकअप स्टार्ट किया। सासू मोम को दुपट्टा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सासू मोम को समझाती थी कि आपने कैसे दुपट्टा पहनना है। फिर सबसे पहले मैंने उनको प्राइमर लगाया, फिर मैंने उनका हेयरबैंड लगा था, क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा सामने, तो बेबी हेयर्स बहुत हैं। और हाँ, मेरी सासू मोम को मेकअप करते टाइम बहुत ही ज़्यादा आराम से करना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्किन और उनकी आँखें बहुत सेंसिटिव हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है जोर से करो ना अगर, तो उनके फेस पर उनकी आंखों पर जो है हर्ट होता है। शी इज़ लाइक बेबी, उसको बच्चों की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। और उनके आईब्रोज थोड़े लाइट हैं, सबसे पहले मैंने उनको जो है अनास्तासिया के जो है पैलेट से उनके आईब्रोज फिल कर लिए। मेरे पास चेयर नहीं थी कि मैं उनको एक जगह बिठा के ना बंदा एक साइड से, प्रोफेशनल जो है एक साइड से खड़े होते हैं लेफ्ट साइड से, और जो है दोनों साइड का मेकअप करते हैं, बट मेरे पास उनके जगह नहीं थी, तभी मुझे इधर उधर बार बार होना पड़ रहा था। फिर मैंने क्रेलॉन की स्टिक से जो है उनके आईब्रोज को अच्छे से शेप दी, ताकि वो और इन्हेंस होकर रहे, क्योंकि उनकी एज है काफ़ी, ताकि और जो है वो आईब्रोज को अगर इस तरह से शेप देंगे तो वो जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। वो अलग बात है कि मेरी सासू मोम कितनी एज लगती नहीं। खैर, उसी से ही मैंने जो है आंखों का बेस भी बना लिया था, और उसके ऊपर फिर फेस पाउडर मैंने लगा दिया था। और मैं अगेन बता चला हूँ, ये जो व्लॉग है ये कल का है, ये आज का नहीं है। फिर मैंने उनके जो है क्रीज एरिया पे जो है डार्क ब्राउन शेड लगाया, और मेरी सासू मोम ने कहा था कि मुझे चमक नहीं चाहिए। खैर, डार्क ब्राउन शेड जब लगाया तो उनकी आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे लगता है उनको मेकअप करने की ज़रूरत है। देन मैंने उनकी आईब्रो बोन के ऊपर जो है शिमर शेड लगाया था, और उनके जो है डी एरिया पे जो उनके जो ड्रेस के मैचिंग शेड लगाया, जैसे कि वो आई थिंक ये स्काई कलर है, स्काई कलर जो है मैंने उनकी आंखों पर लगा दिया। इसके बाद मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता ही नहीं लगा, तो मैंने आगे का मेकअप जब से शेयर नहीं कर सकी। खैर, कोई बात नहीं, आगे आप लोगों से हेयर स्टाइल शेयर करती हूँ। यहाँ देखे मेरी सासू मोम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, से माशाल्लाह, आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी कहना है। फिर मैंने अपनी सासू मोम के आगे से थोड़े से बाहर निकाली और अपनी सासू मोम का जो है जूड़ा बनाया। जूड़ा बनाने के बाद मैंने ये खूबसूरत सा ये सेट था हेयर का, ये मैंने उनके बाद उनके लगा दिया उनके बालों में, और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है इसे, माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी मेरी सासू मोम। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। अंदर आपको कुछ दिखाना है? अच्छा दिखा। आ जा आ जा आ जा आ जा, ये देखे टपकला क्या कितनी इतना बुरा लगती वैसे कैसे लग रहा है ये गंदा लगता है चूहा पागल ठीक है नहीं मासी कह रहे मेरे बाल गिर रहे थे गिरते पे थोड़े मैंने इसको बोला मैंने कहा तेल लगाते ना ठीक हो जाता ठीक हो जाता बस चलो के चलो कोई बात नहीं वो भी ड्रो जो है वो मैंने सही सलामत अब वापस लगाया तो मेरे हाथ में थोड़ा सा ठुड्डा भी वजा है करते हैं रेस्ट करने के बाद हम करेंगे अपनी सासू मोम का मेकओवर छोटा मुन्ना और अभी विशालन बना रही है हाथ जल गया
और ये बन रहा है चिकन का सालन, जिसे शाहरुख को बहुत पसंद है। भैया हमने तो अपना काम सुबह से कर लिया था, सारा काम करके सुकून से बैठे हैं चादर तान के, फॉरगॉट द चादर। और अम्मी अब बना रही है सालन, क्योंकि अम्मी का काम है सिर्फ सालन बनाना, रोटियां शाहरुख बाहर से लेकर आते, सिर्फ अम्मी सालन बनाते, बाकी घर की सफाई, झाड़ू पोछा, वॉशरूम धोना, पानी भरना। ओह माय गॉड आई एम सो मच दुखी। यार ये मेरी जो लाइन पता नहीं कब आएगी, आप लोग को दिख रही है जो लाइन? थर थर आती ठंड में ये क्या चड्डा पहन के तुम घूम रहे हो? चड्डा से कपड़े धोने वाला कोई नहीं है? अच्छा सारा दिन काम भी करो नौकरानियों की तरह, लेकिन कपड़े धोने वाला कोई नहीं है? मर्दों के लिए जान भी दे दो ना, मर्द कभी खुश नहीं होते, ये पता लग गया मुझे। छोड़ो मेरी गर्दन, आ जा। और मेरी सासू मोम भी आई है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी और सासू मोम, अम्मी मासी, मतलब मेरी अम्मी की मासी, मेरी सासू मोम और शाहरुख की अम्मी और मेरी सासू मोम, पता नहीं मैंने क्या खाया है। चलो उठो मोटे, सब खाना खाने लगे हैं, अम्मी भी बॉडी शेमिंग। क्या कर रही हो अभी? करेले का सालन गरम कर रही हूं और मैं सालन गरम कर रही हूं चिकन का। चिचन 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 नहीं बोला करो, बच्चे मत बनो। चिचन चिचन हमजा बोलता है किचन चिचन। अम्मी इसको बंद कर दो ना। एक मिनट देख रहा मेरे को। अम्मी बहुत गर्म हो गया, बस कर दो, जल जाएगा। इली जलेंगे चिकन से। रोटियां खोलो सभी चरा का मैं करा। तो हमारे पास मेन्यू में है करेले और चिकन, चिकन और मिर्ची और करेले और प्लेट और रोटी और छब्बी। तो हमारे साथ हमारी सासू मोम है, अम्मी है, शाहरुख है और नैना अकबर है, जिसके 1,04,000 सब्सक्राइबर है। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं तो मिठू को पता लगे कि खाना हम लोग खा रहे हैं। तो ये आ गया है अम्मी के साथ, आज ना मैंने इसको करेला दिया है, इतनी गंदा मुँह बना के ना चिड़ा है ना ये। अभी चिकन खाएगा। चिकन से भी शाहरुख गुस्सा करता ही है। मिट्टू मेरी जान, मिट्टू आज मेरा बच्चा छोटा सा मेरा शहजादा, क्या हो गया है आज? मेरी जान मेरा बच्चा। और खाने के बाद की ये रही मेरी दवाइयाँ। और ये मेरा लास्ट टॉर्चर, खाली ये रही मेरी कुछ दवाइयाँ जिनका मैं नाम नहीं दिखा सकती। और ये सब जो है ये मेरी दवाइयाँ हैं जिनका मैं नाम नहीं दिखा सकती। गोलियाँ दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है खा के दिखाना कि आप लोग इस तरीके से मजाक करते हो कि नहीं ये देखो नैना ये झूठ बोलती है। तो मैं इसे दिखाती हूँ कि मैं सच में बीमार हूँ। और जिस तरीके से आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, जिस तरीके से आप लोग करते रहो, कीप इट अप, नैना को फर्क नहीं पड़ता, नैना खुश रहेगी और इंशाल्लाह आगे खुश रह के दिखाएगी। और अल्लाह आप लोग को भी मेरी तरह सुकून और खुशी अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पॉइंट करती हूँ। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं भी लूँगा आप लोग एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब पूछ रहे थे कि क्या आपकी अम्मी मदीना जाएगी, क्या आपकी मदीना अम्मी जाएगी, क्या आपकी अम्मी मदीना जाएगी। तो इस बात का फैसला तो है अल्लाह ताला करेंगे, वो बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। और बाबर दिलबर जो है वो बता देंगे, मैं कुछ भी नहीं बताऊं क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। जो वो बात कहेंगे मैं वही करूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी।
बाकी अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखो तो मुझे बुरा नहीं लगे, क्योंकि वो मदीना जा रही है, किसी गलत जगह पर जा रही, अलग घर जा रही है, अलग घर के जाने में कुछ भी गलत नहीं है। बाकी जो मेरे भाइयों को ठीक लगे, बड़े हैं मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, जो उनको बेहतर लगेगा वो सही है। तो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, टाइम के साथ पता लग जाएगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।